यस चलिए दूसरे टॉपिक पे चलते हैं, डिडक्शन। क्वेश्चनेयर का ही डिस्कशन कर रहे हैं डिडक्शंस के ऊपर। आप सभी को पता है कि ये छोटे 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 जो क्वेश्चंस हैं, ये आपके कॉन्सेप्ट्स बिल्ड और ज्यादा कर देंगे। यस और नो? उम्मीद तो मैं यही कर रहा हूं कि आप लोगों ने पढ़ लिया होगा और उसके बाद ही आप इन क्वेश्चनेयर्स को देख रहे होंगे। तो आज के दूसरे क्वेश्चनेयर डिस्कशन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चनेयर डिस्कशन है आज का डिडक्शंस का। आइए फटाफट देखते हैं क्वेश्चन नंबर वन। एक्सप्लेन हाउ द कॉन्ट्रीब्यूशन टू द पॉलिटिकल पार्टीज आर डिडक्टेबल इन द हैंड्स ऑफ कॉर्पोरेट एंड नॉन कॉर्पोरेट असेसी। कॉर्पोरेट और नॉन कॉर्पोरेट असेसी दोनों को एक साथ पूछ लिया है। बताइए, कॉर्पोरेट असेसी अगर पॉलिटिकल कॉन्ट्रीब्यूशन करते हैं या इलेक्टोरल ट्रस्ट को कॉन्ट्रीब्यूशन करते हैं तो 80GGB का डिडक्शन मिलता है, और यही अगर अदर देन कॉर्पोरेट्स करते हैं तो 80GGC का डिडक्शन मिलता है। डिडक्शन तभी मिलेगा जब पेमेंट इज मेड अदरवाइज देन इन कैश। यस और नो? जितना पेमेंट किया 100% अलाउड इज डिडक्शन। ये तीन पॉइंट को मेंशन करना है। सो रेफरेंस रेफरेंस हैज टू बी गिवन रेफरेंस हैज टू बी गिवन टू एट सेक्शन 80GGB प्रोवाइड्स द डिडक्शन फॉर एनी सम कॉन्ट्रीब्यूटेड इन द प्रीवियस ईयर बाय एन इंडियन कंपनी टू पॉलिटिकल पार्टी, वेर एज 80GGC प्रोवाइड्स डिडक्शन फॉर एनी सम कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय एनी अदर पर्सन टू अ पॉलिटिकल पार्टी। However, this deduction will not be available in respect of contribution made by local authority or AJP wholly and partly funded by the government. It may be noted that cash donation to political party would not qualify for deduction under 80GGB and 80GGC. कॉन्ट्रीब्यूशंस में क्या क्या इंक्लूड होता है? आपने कोई डोनेशन दिया है, सब्सक्रिप्शन दिया है, पेमेंट दिया है, या कोई एक्सपेंडिचर इनकर किया है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन देयर बिहाफ, लाइक एडवर्टीजमेंट, पैम्पलेट, ट्रैक्ट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हाउएवर इट मे बी नोटेड दैट एज पर सेक्शन 37(2)(b), याद होगा तो PGBP कंप्यूट करते वक्त हम इसका कोई डिडक्शन देते नहीं। हाउएवर इट मे बी नोटेड दैट एज पर सेक्शन 37(2)(b), नो अलाउंस शेल बी अलाउड इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय हिम ऑन एडवर्टीजमेंट इन सॉवरन ब्रोचर ट्रैक्ट और लाइक पब्लिश बाय एनी पॉलिटिकल पार्टी। इट इज ओनली आफ्टर द कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम कॉन्ट्रीब्यूशन टू अ रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी इज अलाउड एज डिडक्शन अंडर द 80GGB और GGC। यस चलो आओ चेक करो क्वेश्चन नंबर टू। वन डन, लेट स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर टू। स्टेट विथ प्रॉपर रीजंस, आपको स्टेट करना है, मतलब आपको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है स्टेट विथ प्रॉपर रीजन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। आपको ट्रू और फॉल्स के बेसिस पे यहां पे क्या करना है, डिडक्शन डिटरमाइन करना है। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर अमित पेड इंटरेस्ट ऑन लोन अवेल्ड बाय हिम फॉर हिज सन्स हायर एजुकेशन। हिज सन इज ऑलरेडी एम्प्लॉयड इन अ फर्म। मिस्टर अमित विल गेट डिडक्शन। यस ही विल गेट डिडक्शन। जब हम 80E पढ़ रहे थे तो हमने कहीं नहीं देखा था कि सन डिपेंडेंट होना या इंडिपेंडेंट होना। अगर आप उसके एजुकेशन का पेयर कर रहे हैं तो जो इंटरेस्ट कंपोनेंट है इट इज अलाउड एज डिडक्शन। सो आंसर इज ट्रू, 80E का रेफरेंस हमें लेना होगा। द डिडक्शन अंडर 80E इज अवेलेबल टू एन इंडिविजुअल इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर हायर एजुकेशन फॉर द हायर एजुकेशन ऑफ एस रिलेटिव। फॉर दिस पर्पज रिलेटिव मीन्स स्पाउस चिल्ड्रंस ऑफ इंडिविजुअल, देयर फॉर अमित विल गेट डिडक्शन एंड इट इज इम मटेरियल द सन इज ऑलरेडी एम्प्लॉयड इन द फर्म। सन इज ऑलरेडी एम्प्लॉयड इन द फर्म। सेकेंड पार्ट पे आते हैं। सब्सक्रिप्शन टू नोटिफाइड बॉन्ड ऑफ नाबार्ड वुड क्वालिफाई फॉर 80C, ट्रू। नाबार्ड के बॉन्ड में अगर आप यू नो इन्वेस्टमेंट करते हैं तो द डिडक्शन इज कवर्ड अंडर 80C। सो अगेन ट्रू, इट विल बी अ ट्रू। 80C टू सब्सक्रिप्शन टू सच बॉन्ड इशूड बाय नाबार्ड सेंट्रल गवर्नमेंट मे नोटिफाई फॉर द ऑफिशियल गैजेट एंड वुड क्वालिफाई फॉर डिडक्शन अंडर 80C। थर्ड पार्ट, इन ऑर्डर टू बी एलिजिबल टू क्लेम डिडक्शन अंडर 80C इन्वेस्टमेंट एटसेट्रा इन द अप्रूव्ड मोड शुड बी मेड आउट ऑफ इनकम चार्जेबल टू टैक्स। फॉल्स, ये इनकम चार्जेबल टू टैक्स वाला कंसेप्ट 80D का है। 80C इनकम चार्जेबल टू टैक्स हो या ना हो आपको डिडक्शन मिलता है। सो फॉल्स, देर इज नो स्टिपुलेशन अंडर 80C दैट इन्वेस्टमेंट सब्सक्रिप्शन एक्सेट्रा शुड बी मेड आउट ऑफ इनकम चार्जेबल टू टैक्स। इनकम चार्जेबल टू टैक्स में नहीं भी होगी तो भी चलेगा। फोर्थ, वेयर एन इंडिविजुअल रीपेज अ सम ऑफ 30,000 टूवर्ड प्रिंसिपल एंड 14,000 टूवर्ड इंटरेस्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ लोन टेकन फ्रॉम बैंक फॉर परसुइंग एडुकेशन द डिडक्शन विल बी 44,000। रॉन्ग, प्रिंसिपल का डिडक्शन नहीं मिलता। फॉल्स, सही है, सिर्फ इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलता है। सो डिडक्शन will be limited to 14,000. Do check it. Easy tha. Yes, Malik. चलो जी आगे बढ़ते हैं।
डन. लेट अस कम टू क्वेश्चन नंबर थ्री बेस्ड ऑन 80DD. 80DD आपको याद होगा, 80DD के कंसेप्ट के ऊपर ये बेस्ड है. डिस्कस द फॉलोइंग अलाउबिलिटी. राजन हैज टू पे अ हॉस्पिटल फॉर ट्रीटमेंट ऑफ 62,000 एंड स्पेटिंग नथिंग फॉर द लाइफ इंश्योरेंस और मेंटेनेंस ऑफ हैंडीकैप डिपेंडेंट. मेरे भाई याद कर, 80DD कहता था या तो आपके डिसेबल डिपेंडेंट के ऊपर खर्चा करो या उनके नाम पे अप्रूव्ड स्कीम में डिपॉजिट करो. अब राजा ने क्या किया है, खर्चा किया है लेकिन डिपॉजिट नहीं किया. डिडक्शन मिलेगा, यस. कितना मिलेगा? आपको याद होगा 80DD के अंदर में जो डिडक्शन है वो 75,000 है या 1,25,000 है, येस और नो. भले ही आपने 62,000 रुपीज खर्चा किए पर आपको डिडक्शन कितना मिलेगा, पूरा 75,000 रुपीज का. सो डिडक्शन अंडर, डिडक्शन ऑफ 75,000 अंडर 80DD इज अलाउड इन फुल इररिस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड और पेड बाय असेसी. इफ द एक्सपेंडिचर इज इनकर्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ अ डिपेंडेंट विथ सीवियर डिसेबिलिटी द डिडक्शन वुड बी अलाउेबल इज 1,25,000. यही अगर वो डिसेबल्ड सीवियर डिसेबिलिटी है तो फिर कितना हो जाएगा, 1,25,000. सेकेंड क्वेश्चन, राजा अ रेसिडेंट इंडियन हैज स्पेंड नथिंग ऑन द ट्रीटमेंट बट डिपॉजिटेड 25,000. आपने ट्रीटमेंट पर खर्चा नहीं किया पर डिपॉजिट किया 25,000, स्टिल 75,000 तक का डिडक्शन मिलेगा, येस. द असेसी राजन डिपॉजिटेड 25,000. However, they are eligible to claim 75,000 since the deduction of 75,000 is allowed in full irrespective of the amount deposited with LIC. If it is a severe disability, then it will be 1,25,000. Third, Rajan has incurred 20,000 on treatment and 25,000 on deposit. अब दोनों किया है, दोनों किया है तो भी deduction मिलेगा, कितना, 75,000. 80DD का reference आपको लिखना होगा. Fourth, payment of 50,000 by check. By check to a electoral trust by an Indian company, ATGGB, Indian company, electoral trust, since the payment is made by otherwise than by cash, deduction would be eligible. तो deduction में आपको इस तरह से test किया जा सकता है, जहां पे आपको couple of section या एक ही section को अलग अलग तरीके से consider किया जाता है. डन ब्रो. क्वेश्चन नंबर फोर, यू कैन डू इट सेल्फ, 80CCD के ऊपर बेस्ड है, छोटा सा क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर फाइव, एग्जामिन द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिगार्ड्स टू द प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 फॉर ग्रांटिंग द डिडक्शन अंडर 80JJAA. फाइलिंग द ऑडिट रिपोर्ट इन प्रिस्क्राइब फॉर्म इज मैंडेटरी फॉर अ कॉर्पोरेट SSC. फाइलिंग द रिटर्न विद इन द ड्यू डेट लेट डाउन इन 139(1) इज नॉट रिक्वायर्ड. सर एक बात आपको बता दूं, ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट नहीं है क्योंकि यहाँ पे सेक्शन 80AC वर्क करेगा. सेक्शन 80AC कहता है कि बॉस आपको अगर डिडक्शन लेना है तो रिटर्न भरने से पहले, रिटर्न की ड्यू डेट से पहले आपको क्या करना ज़रूरी है, आपको ये कंडीशंस सेटिस्फाई करना ज़रूरी है. सो द स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट. 80AC स्टिपुलेट कंपलसरी फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑन और बिफोर द ड्यू डेट स्पेसिफाइड अंडर 139(1) एज अ प्री कंडीशन फॉर अवेलिंग द डिडक्शन अंडर 80JJAA. फाइलिंग अ बी लेटर रिटर्न अंडर 139(4) विल डिबार एन SSC फ्रॉम क्लेमिंग डिडक्शन अंडर 80M. मतलब ये नया वाला है. स्टेटमेंट इज करेक्ट. एज पर सेक्शन 80AC द SSC हैज टू फर्निश इज रिटर्न ऑफ इनकम ऑन और बिफोर द ड्यू डेट टू बी एलिजिबल टू क्लेम डिडक्शन अंडर 80M. क्या आया है, फाइनेंस एक्ट 2020 से जो अमेंडमेंट आया है ना इंटर कॉर्पोरेट्स डिविडेंड्स का, वो 80M है, उसकी भी ये प्री कंडीशन है. मैं कहूंगा ये क्वेश्चन छोटा है पर इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट मार्क करके रखें इसे, इंपॉर्टेंट मार्क करके रखें. यस सर. चलो जी, क्वेश्चन नंबर सिक्स को सेल्फ करें. 80C के ऊपर बेस्ड है, आराम से आप कर लोगे. कंसेप्ट काय के ऊपर बेस्ड है, पॉलिसी इशू डेट का 20% या 10% होना चाहिए उसके ऊपर बेस्ड है, आराम से कर लोगे. क्वेश्चन नंबर सेवन के ऊपर आ जाओ. द बेसिक सैलरी ऑफ मिस्टर ए इज 1,00,000 पर मंथ. ही इज एंटाइटल टू डियरनेस अलाउंस विच इज 40% ऑफ बेसिक सैलरी, मतलब 40,000 रुपीज, 50% ऑफ विच फॉर्म्स पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट. ठीक है,
बोथ ए एंड हिज एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूट 15% ऑफ बेसिक सैलरी टू द पेंशन स्कीम ऑफ 80 CCD. ये क्वेश्चन 80 CCD पे बेस्ड है, याद होगा तो 80 CCD जब हम पढ़ रहे थे मैंने आपको बोला था बेटा इसके ऊपर मैंने क्वेश्चन एयर में क्वेश्चन रखा है, वो आज हम लोग रिकॉल कर रहे हैं. ठीक है सर. एक्सप्लेन द टैक्स ट्रीटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ सच कॉन्ट्रीब्यूशन. अब जरा ध्यान से सुनिए. सबसे पहली बात तो आपका टोटल सैलरी जितना होगा हमें सबसे पहले वो कंप्यूट करना पड़ेगा. 1 लाख पर मंथ है मतलब 12 लाख रुपीज़ टोटल सैलरी हो गया. 12 लाख रुपीज़ टोटल सैलरी हो गया प्लस 40% उसका क्या है भाई साहब डीए है, 50% ऑफ विच फॉर्म्स पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट. यस और नो? मतलब 12 लाख का 40%, 480,000 उसका 50%, 2,40,000. तो आपका टोटल सैलरी बनने वाला है 14,40,000. अब 80 CCD 1 के अंदर में डिडक्शन कितना रिस्ट्रिक्टेड है, 10% ऑफ सैलरी. सैलरी मतलब बेसिक प्लस डीए फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट, मैक्सिमम 10% मिलेगा. 14,40,000 का 10% 1,44,000. टैक्स ट्रीटमेंट इन द हैंड्स ऑफ ए इन रिस्पेक्ट ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन इन द पेंशन स्कीम अंडर 80 CCD. Employer's contribution to such pension scheme would be treated as salary since it is specifically included in the definition of salary, and therefore 180 being 15% of salary will be included in A salary. A's contribution to pension will be allowed as deduction under 80 CCD 1, and deduction is restricted to 10% of salary. This was the computation. Achha ji. ये तो हुआ एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन, एम्प्लॉईज कॉन्ट्रीब्यूशन. अब एक और बात बता देता हूं आपको, 80 CCD 1B कहता है ओवर एंड अबव 80 CCD 1 आपको एडिशनल 50,000 तक का डिडक्शन मिल सकता है. आपका जो अमाउंट है कॉन्ट्रीब्यूटेड वो है 1,80,000, इसमें से 144 माइनस कर दो, बैलेंस आपको 80 CCD 1 के अंदर में मिल जाएगा. ये इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है जो मैक्सिमम बच्चा भूल जाएगा. मालिक आपने नहीं भूलना, आपने इसको करके रखना. यस डन. That's it. ये एक थ्योरी पॉइंट लिखा हुआ है, आगे पढ़िए. 144, 36 पर आपको याद होगा मैक्सिमम डिडक्शन कितना होता है 1,50,000, तो उसके आगे भी हमें कुछ पढ़ना होगा. दिस वुड बी टेकन इंटू कंसिडरेशन एंड सब्जेक्ट टू ओवरऑल लिमिट ऑफ 1,50,000 अंडर 80 CCE. 36,000 is allowable as deduction under 80 CCD B1 is outside the overall limit of 1,50,000 and under 80 CCE. Then in the alternative 50,000 can be claimed as deduction under 80 CCD B1, the balance 130 can be claimed as deduction under 80 CCD1. Employer's contribution to pension scheme would be allowed as deduction under 80 CCD 2. जो employer's contribution है वो कहाँ मिलने वाला है, 80 CCD 2 में मिलने वाला है, subject to maximum of 10% of salary. Therefore, deduction under 80 CCD 2 would also be restricted to 1,44,000, even though the entire employer contribution included in salary. यस मालिक. सो मैक्सिमम डिडक्शन इस केस में आपको मिल पाएगा 1,50,000 प्लस आपका एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन जो अलग से रहेगा. क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर आते हैं. ये है 80D के ऊपर बेस्ड, 80D के ऊपर बेस्ड है सर. 80D मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम की बात करता है. ध्यान से सुनेंगे. मिस्टर ए एज 40 ईयर पेड मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम 20,000 टू इंश्योर हिज हेल्थ एज वेल एज हेल्थ ऑफ द स्पाउस. अच्छा जी, खुद का प्लस वाइफ का 20,000. ही ऑल्सो पेड इंश्योरेंस प्रीमियम 47,000 टू इंश्योर द हेल्थ ऑफ हिज फादर हु इज अ सीनियर सिटीजन बट नॉट डिपेंडेंट अपॉन हिम. सर नॉट डिपेंडेंट अपॉन हिम बोला है. वैसे भी 80D के अंदर में सिर्फ चाइल्ड डिपेंडेंट होना चाहिए. ठीक है,
47,000 उनके लिए पे किया है। ही कॉन्ट्रीब्यूटेड 3,600 टू सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम। ही हैज़ इनकर 3,000 इन कैश, कैश में प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप अलाउड है, येस अलाउड है, फॉर हिमसेल्फ एंड स्पाउस एंड 4,000 बाई चेक ऑन प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप ऑफ हिज फादर। कंप्यूट द डिडक्शन, एक एक करके डिडक्शन की ओर चलते हैं। सबसे पहली बात खुद का और वाइफ का 20,000 रुपये पे किया, वो मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम मिल सकती है, बिल्कुल मिल सकती है। उसके अलावा प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप मिल सकता है। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप मैक्सिमम कितना मिल पाएगा? आपको याद होगा आपका टोटल अमाउंट जा रहा है 26,600, पर मैक्सिमम खुद का, वाइफ का और डिपेंडेंट बच्चे का मिला के 25 है, तो ये 25 पे यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, और ये अमाउंट हम क्या कर देंगे, कम कर देंगे। ये अमाउंट यहाँ पे हम कम कर देंगे, यस मालिक आगे बढ़ते हैं सर। और भी देखिए, उसके पेरेंट्स के लिए उसने 47,000 रुपीज इनकर किया, ये 47,000 रुपीज आ गया, प्लस 4,000 चेक से पेमेंट किया है प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का, ये चार भी कर दिए तो 51 आता है। लेकिन पेरेंट्स का मैक्सिमम डिडक्शन कितने पे रिस्ट्रिक्टेड है बेटा? 50,000 रुपीज के ऊपर, तो ये 50,000 आ जाएगा। हम यहां पे इसे 3,000 पे रिस्ट्रिक्ट कर देंगे, राइट। यहां का 25,000 और यहां का 50,000, ओवरऑल डिडक्शन आपको 75,000 रुपीज का बन जाएगा। ओवरऑल डिडक्शन यहां पे आपको 75,000 रुपीज का बन जाएगा। डन सर। सो इट वॉज एन ईजी वन, 80DD के रेफरेंस के अंदर में था। क्वेश्चन नंबर 9, डू इट ऑन योर सेल्फ, ईजी वन, 80DD के ऊपर बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 10, आपको पता है इस क्वेश्चनर का सबसे बड़ा इफेक्टिव पॉइंट कब होगा? मैं सभी बच्चों से कहना चाहूंगा, भले ही हम यहां पे इस क्वेश्चनर को डिस्कशन कर रहे हैं, लेकिन आप इसे ट्राई कीजिए सबसे पहले खुद सॉल्व करके। अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप प्लीज इसे खुद एक बार सॉल्व कीजिए ट्राई करने के बाद, और ट्राई करने के बाद भी अगर आपको नहीं जमे तो आप इन लेक्चर्स का सहारा लीजिए ताकि आप फटाफट ये चीज कंप्लीट कर पाए। मिस्टर बी हैज टेकन 3 एडुकेशन लोन। एडुकेशन लोन काय पे बेस्ड है मालिक? 80E के ऊपर कंसेप्ट बेस्ड है। Mr. B has taken 3 education loan on 1st April 2020. The details of which are given as under. Compute the amount of deduction under 80E. तीन लोन लिए, whose education? खुद का education, बच्चे का education, daughter का education. Loan higher studies के लिए ही दिख रहा है। Amount of loan, annual repayment और उसके अंदर में interest का repayment. बताओ कितना deduction मिलेगा? Sir, खुद का education भी चलेगा, बच्चों का education भी चलेगा, तो आप इन तीनों को जोड़ दो, टोटल मेरे हिसाब से आने वाला है 48,000 रुपीज़, ये आपका डिडक्शन हो जाएगा। इंटरेस्ट कंपोनेंट इज अलाउड एज डिडक्शन, प्रिंसिपल कंपोनेंट इज नॉट अलाउड एज डिडक्शन। क्या लिखना होगा? 80E का रेफरेंस देकर के प्रोविजन लिखनी होगी। अंडर सेक्शन 80E अवेलेबल टू एन इंडिविजुअल असेसी इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी इंटरेस्ट पेड बाय हिम इन द प्रीवियस ईयर, लोन टेकन फॉर परस्यूइंग हायर एजुकेशन, एजुकेशन ऑफ हिज स्पाउस, चिल्ड्रन। हायर एजुकेशन मीन्स एनी कोर्स स्टडीज आफ्टर सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन, आफ्टर सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन, देयरफॉर इंटरेस्ट रीपेमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल ऑफ द अबाउ लोन वुड बी एलिजिबल फॉर डिडक्शन, एंड देयरफॉर 20,000, 10,000, 18,000, टोटल 48,000 विल बी अलाउड एज डिडक्शन। टोटल 48,000 विल बी अलाउड एज डिडक्शन। डन सर, दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर आ जाइए। ये क्वेश्चन काय पे ऊपर बेस्ड है? 80EE प्लस 24B, यानी हाउस प्रॉपर्टी पर प्लस डिडक्शन का एक क्वेश्चन है जो जबरदस्त कॉम्बिनेशन बनाता है। मिस्टर ए परचेज द रेसिडेंशियल हाउस एट द कॉस्ट ऑफ 45 lakh ऑन 1/4/2017, लोन इज टेकन इन 2017, इन रिस्पेक्ट ऑफ विच द हाउसिंग लोन इज 35, ये अपने लिमिट्स में लग रहा है, ऑन 11% पर एनम ऑन द सेम डेट, ठीक है।
द लोन वॉज सैंक्शन ऑन 28 मार्च 2017, मतलब 16-17 में है। कंप्यूट द एलिजिबल डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ लोन। सबसे पहली बात, लोन कितने का लिया है? 35 लाख रुपीस का, 11% के हिसाब से। तो ठीक है, 35 लाख रुपीस 11% के हिसाब से अगर देखा जाए तो आता है 3,85,000 रुपीस। मैक्सिमम सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, क्योंकि प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड है, मैक्सिमम सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के केस में इंटरेस्ट का डिडक्शन जो होता है वो 2 लाख पे रिस्ट्रिक्ट होता है, तो यहां पे आ जाएगा 2 लाख रुपीस। अब ओवर एंड अबाउट दिस 80EE के अंदर में आपको डिडक्शन मिल सकता है, ओवर एंड अबाउट दिस 80EE के अंदर में डिडक्शन मिल सकता है, एक्चुअल अमाउंट और 50,000 विच एवर इज लोअर। आपका टोटल इंटरेस्ट हो रहा है 385 में से 2 का तो मिल गया 185, बराबर है। अब इस 185 में से आपको मैक्स डिडक्शन कितना मिल पाएगा? 50,000 अंडर 80EE, 2,50,000। और अगर आपको 80EE याद नहीं आ रहा, जिसको याद नहीं आ रहा वो जाके अपनी बुक पलटाएं, बुक के अंदर में सब कुछ दिया है, कंडीशन पूरी सेटिस्फाइड है। आप उम्मीद तो मैं यही कर रहा हूं कि तुम सुपर 35 से जरूर पढ़ रहे होंगे। यस, क्वेश्चन नंबर 12, डू इट ऑन योर सेल्फ। कंसेप्ट इज बेस्ड ऑन 80C + D + G। क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर है हम लोग, क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर है हम लोग। कंसेप्ट काय पे बेस्ड है? 80GG के ऊपर बेस्ड है, वो जो प्रॉपर्टी किराए पे ली होती है और उसके लिए डिडक्शन मिलता है उसके ऊपर बेस्ड है। आप देख सकते हो हमने ट्राई किया है हर इंडिविजुअल क्वेश्चन हम ले करके आ जाएं, सो दैट हर एक कॉन्सेप्ट के ऊपर आपका पॉइंट क्लियर हो जाए जितना मैक्सिमम पॉसिबल है। गणेश बिजनेसमैन हुज टोटल इनकम, बिजनेसमैन हुज टोटल इनकम इज 4,60,000 रुपीज, पेड रेंट ऑफ 12,000 पर मंथ इन रिस्पेक्ट ऑफ अ रेसिडेंशियल अकोमोडेशन ऑक्यूपाइड बाई हिम एट मुंबई, कंप्यूट द डिडक्शन अवेलेबल टू हिम। 80GG में आपको थोड़ा सा याद दिला देता हूँ, 80GG में आपको थोड़ा सा याद दिला देता हूँ 80GG किस बारे में बात करता है। 80GG आपसे कहता है बॉस 5,000 रुपीज पर मंथ, 25% ऑफ अति, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ अति। अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग, सबसे पहले 5,000 पर मंथ के हिसाब से देखा जाए तो 60,000, दूसरा 25% ऑफ अति। अब 25% ऑफ अति, अब हम अति निकालने के लिए बाकी डिटेल्स तो दी नहीं है, तो 4,60,000 का ही 25% हम लोग ले सकते हैं, दैट कम्स टू 1,15,000। तीसरा आता है रेंट पेड माइनस 10% ऑफ अति, रेंट पेड 12,000 पर मंथ है मतलब 44,000, माइनस 10% ऑफ अति मतलब 46,000, ये आएगा आपका 98,000। तीनों में से क्या लोअर है? 60,000 लोअर है, डिडक्शन विल बी 60,000। डन सर। क्वेश्चन नंबर 14 को सेल्फ कीजिए, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी भी है और सिमिलर टाइप है, 80E एंड 80CCD के ऊपर बेस्ड है जो हमने पहले किया है। क्वेश्चन नंबर 15 अ गुड वन, 80JJAA के ऊपर बेस्ड है, इसे हमें करना होगा। 80JJAA के ऊपर एक क्वेश्चन बेस्ड है, याद होगा तो 80JJAA 30% ऑफ एडिशनल वेजेस ऑफ न्यू वर्कमैन के ऊपर डिडक्शन देता है मालिक, याद आ रहा है तुमको। मिस्टर ए कमेंस द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंप्यूटर, एम्प्लॉयड 350 न्यू एम्प्लॉय, द डिटेल्स ऑफ विच आर गिवन एज अंडर। देखो वो रेगुलर है कैजुअल है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, 25,000 रुपीज़ के ऊपर जो कमा रहा है इसका हमें वैसे भी बेनिफिट नहीं मिलने वाला, तो ये हटा दो।
बचते कितने हैं? 350 में से 125 हटा दो, 50 हटा दो, यस, बैलेंस जो बच गए उनका आपको डिडक्शन मिल सकता है, प्रोवाइडेड उनने उतना काम किया हो। द रेगुलर एम्प्लॉय पार्टिसिपेट इन आरपीएफ वाइल द कैजुअल एम्प्लॉय डू नॉट पार्टिसिपेट इन आरपीएफ। अब जो बचे रेगुलर तो पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो इनको मिल सकता है। इफ द प्रॉफिट एंड गेन डिराइव फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज 75 लाख एंड द टोटल टर्नओवर इज 5.16 करोड़, वॉट वुड बी योर आंसर इफ ए कमेंस द बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फुटवेयर? फुटवेयर होगा तो फिर नंबर ऑफ डेज 150 लगते हैं। सितंबर से पहले काउंट करो, क्या ये 100 लोग ने एटलीस्ट 240 डेज काम किया है क्या? सो सो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये जो 100 है इनका भी बेनिफिट नहीं मिलने वाला। क्यों? क्योंकि इन्होंने 240 दिन से कम काम किया है। यही अगर फुटवेयर इंडस्ट्री में होते तो इसका भी मिलेगा, इसका भी मिलेगा। इसीलिए आप देखोगे 350 में से सबसे पहले 50 जो कैजुअल वर्कर है और पार्टिसिपेट नहीं करते, 125 जिनकी सैलरी 25,000 के ऊपर है, और 100 जिनने लेस देन 240 डेज काम किया है उनको हटा दिया, एलिजिबल बचे 75। अब 75 की सैलरी कितनी है? इन 75 की सैलरी है 24,000 रुपीज़। तो 75 × 24,000, उसका आपको कितना मिलेगा? 30% का डिडक्शन मिल जाएगा, यस। सो इधर चेक करना, 24,000, 75 एम्प्लॉय, 12 मंथ्स, इसका 30% का आपको डिडक्शन मिल जाएगा 80JJAA के अंदर में। इट्स अ वेरी गुड प्रॉब्लम, दोनों कॉन्सेप्ट्स को एक साथ कवर करता है। फुटवेयर लेदर इंडस्ट्री में 150 डेज होता है, उस कॉन्सेप्ट को भी कवर करता है, नॉर्मल कॉन्सेप्ट को भी कवर करता है। सबसे पहले ये हो गया नॉर्मल में। अब अगर वो फुटवेयर में है तो वो इधर भी मिलेगा और इधर भी मिलेगा, मतलब टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय जो होंगे उसके, इसके कैलकुलेशन अलग अलग होंगे। चेक करना यहां पे 2 करोड़ 16 लाख रुपीज, ये किसका आ गया? 75 एम्प्लॉय 24,000 के हिसाब से जो 12 महीने काम कर रहे थे, और 100 एम्प्लॉयज, क्योंकि यहां पे मोर देन 150 डेज वर्क किया, 100 एम्प्लॉय 24,000, और इनका हम सितंबर से काउंट करेंगे, दैट इज सितंबर टू मार्च, ये आया 3 करोड़ 84 लाख, इसका 30% इज अलाउड एज डिडक्शन। सो इफ ए इज एंगेज इन द बिजनेस ऑफ फुटवेयर देन ही वुड बी एंटाइटल टू डिडक्शन ऑफ 80JJAA इन द रिस्पेक्ट ऑफ एम्प्लॉई कॉस्ट ऑफ रेगुलर एम्प्लॉयड सिंस दे हैव बीन एम्प्लॉयड फॉर मोर देन 150 डेज इन द प्रीवियस ईयर। हम इसे क्या करेंगे? कंसिडर करेंगे। मार्क दिस प्रॉब्लम एज इंपॉर्टेंट, इट्स अ गुड वन। थ्योरी में क्या लिखना होगा? 80JJAA का रेफरेंस देना होगा। डन सर, नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, गुरनाम एज 42 हैज अ सैलरीड इनकम विच इज कंप्यूटेड 5,50,000 रुपीज फॉर द प्रीवियस ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। ही अर्न द इंटरेस्ट 14,500 ऑन द सेविंग बैंक अकाउंट, इसका आपको मिलेगा 80TTA विथ SBI। कंप्यूट द टोटल इनकम ऑफ गुरनाम फॉर द असेसमेंट ईयर, प्रोवाइडेड द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। ठीक है सर, सबसे पहले इनकी टोटल इनकम तो निकाल दें। ये आ गई इनकी ग्रॉस टोटल इनकम
5,64,500। फॉर्मेट क्या बनेगा? पर्टिकुलर्स रुपीज रुपीज। सबसे पहले आपकी सैलरी इनकम, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, ग्रॉस टोटल इनकम, लेस डिडक्शन। एक डिडक्शन तो आपको स्ट्रेट अवे मिल सकता है ATTTA का 10,000 रुपीज का, लिख देने का ATTTA 10,000 रुपीज, आगे पीछे लिखोगे चलेगा। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड टू बिरला सन लाइफ इन कैश, इन कैश, इन कैश, ठीक है सर, ओके। फॉर द डिपेंडेंट्स पेरेंट द इंश्योरेंस पॉलिसी वॉज टेकन इन 2018 एंड द सम एश्योर्ड वॉज 2,00,000 रुपीज। भाई साहब 2,00,000 का सम एश्योर्ड है, मतलब उसका मैक्स 10% आपको मिलने वाला है। पॉलिसी 2014 के बाद की है, 20,000 रुपीज। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी पेड फॉर द लाइफ ऑफ मेजर सन हु इज नॉट डिपेंडेंट अपॉन हिम, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, एक मिनट, ये पेरेंट्स का आपको नहीं मिलने वाला, सेल्फ का आपको मिलने वाला है, पेरेंट्स का नहीं मिलने वाला। प्रीमियम ऑफ 26,000 पेड बाय चेक फॉर द हेल्थ इंश्योरेंस ऑफ सेल्फ एंड वाइफ, इसका 25,000 तक के मिलेगा ATD। 1,500 इन कैश फॉर प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप एंड 4,500 पेड बाय चेक फॉर प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप ऑफ हिज पेरेंट्स हु आर सीनियर सिटीजन। एक मिनट, खुद का तो अब एक्सेस नहीं मिलने वाला, पेरेंट्स का 4,500 आप अलग से क्लेम कर लो। पेड 6,500 फ्रॉम लोन टेकन फॉर MBA कोर्स फॉर हिज डॉटर, 80E 6,500 पूरा का पूरा। 5,000 डोनेटेड इन कैश, डोनेशन इन कैश इज नॉट अलाउड, नोट आप लिख सकते हो, फॉर पेरेंट्स ATC नॉट अलाउड। डोनेशन इन कैश नॉट अलाउड। 17 को सेल्फ करें, कंप्यूट द एलिजिबल डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A। मिसेस रोमा हु हैज अ ग्रॉस टोटल इनकम ऑफ 15,00,000 रुपीज फॉर द असेसमेंट ईयर 21-22 प्रोवाइडेड द फॉलोइंग। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड पॉलिसी इज टेकन बिफोर 1/4/2012, सम एश्योर्ड इज 340, मैक्स 20% ऑफ सम शॉर्ट अलाउड है, पूरा 35,000 अलाउड हो जाएगा। अलाउड कितना है? 20% ऑफ सम शॉर्ट, आपका पूरा 35,000 अलाउड हो जाएगा। पब्लिक प्रोविडेंट फंड 150 ले लो, 150 लिखो तो सही, बाद में आप इसको रिस्ट्रिक्ट कर देना। रीपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन 20,000 लिखो, इसको रिस्ट्रिक्ट ही करना पड़ेगा हमें 150 पे। LIC पेंशन फंड ओके वेट, ये तीनों ATC के अंदर में कवर होते हैं, बट इनका मैक्स होगा 1,50,000, रिस्ट्रिक्टेड टू 1,50,000 ATCCE। मेडिक्लेम पॉलिसी टेकन फॉर सेल्फ वाइफ एंड डिपेंडेंट चिल्ड्रन, प्रीमियम इज पेड बाय चेक, इसका मिलेगा ATD के अंदर में मैक्स 25,000। मेडिकल प्रीमियम बाय चेक फॉर पेरेंट्स हु आर सीनियर सिटीजन 52,000, आपका ओवरऑल डिडक्शन 2,25,000, आपका ओवरऑल डिडक्शन 2,25,000। Then
ओके चलो जी बोलो। 19th किसके ऊपर बेस्ड है मालिक? 80 क्यू क्यू बी के ऊपर बेस्ड है। क्यू आखिर क्यों मैंने बुक्स बनाई, इसके ऊपर बेस्ड है। मिस्टर एक्स रिसीव रॉयल्टी ऑन बुक्स 1 लाख रुपीज एट द रेट ऑफ 18% एंड इनका 10,000 एक्सपेंडिचर ऑन अर्निंग द रॉयल्टी। ठीक है, द बुक्स आर कवर्ड अंडर 80 क्यू क्यू बी एंड रॉयल्टी इज रिसीव फ्रॉम अब्रॉड 50,000 आर रेमिटेड टू इंडिया टिल सेप्टेम्बर 30, 2021। ठीक है सर, डिटरमाइन द डिडक्शन। एक मिनट, एक एक बात करते हैं। अगर हम बात करें 80QQB की, सबसे पहली बात लमसम रॉयल्टी जो है ये तो आपको 3 लाख रुपीज़ तक के एग्जम्प्ट है, 3 लाख रुपीज़ तक के एग्जम्प्ट है, यस। और जो आपको 1 लाख रुपीज़ रॉयल्टी ऑन बुक्स मिल रहा है, राइट, जो 18% के हिसाब से, ये मैक्स कितना अलाउड है? 15% अलाउड है। सो अगर 18% के हिसाब से आपको मिला है तो आपको सबसे पहले 15% के हिसाब से इसे कैलकुलेट करना पड़ेगा। देयरफॉर रॉयल्टी नॉट एक्सीडिंग 15%, देयरफॉर 1 लाख डिवाइडेड बाय 18 इंटू 15, 8,333। इनकम कितनी कन्वर्टेबल फॉरेक्स में लेके आए आप 50,000 रुपीज के अंदर में? यहाँ पे आई गेस एक फिगर कटी है, प्लीज उसे कंसिडर कर लीजिए, प्लीज उसे कंसिडर कर लीजिए, वो 50,000 रुपीज़। एलिजिबल इनकम 50,000 रुपीज़, उसमें से एलिजिबल एक्सपेंडिचर 10,000 रुपीज़, और 80QQB के अंदर में डिडक्शन कितना मिलेगा मालिक? 40,000, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम लिमिट ऑफ व्हाट बेटा? 3 लाख। दिस वॉज एन ईजी वन, क्वेश्चन नंबर 20, डू इट ऑन योर सेल्फ। क्वेश्चन नंबर 21, अगेन बेस्ड ऑन 80JJAA, इट्स अ मे 2006 क्वेश्चन, मे 2016 क्वेश्चन। एक्स वाई जेड कमेंस द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग आयरन रॉड्स, इट हैज एम्प्लॉयड 200 वर्कमैन ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है सर, स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, कैजुअल एटसेट्रा। कंप्यूट द डिडक्शन अवेलेबल टू एक्स वाई जेड इफ द प्रॉफिट इज डिराइव्ड इन द फाइनेंशियल ईयर इज 100 लाख रुपीज। ठीक है सर, प्रॉब्लम क्या है? कहीं तो प्रॉब्लम दिख नहीं रहा है इस प्रॉब्लम के अंदर में, मतलब ये इजी ही प्रॉब्लम है, बताओ क्या करना होगा इस प्रॉब्लम के अंदर में? एनीबडी चेक, स्किल्ड सेमी स्किल्ड, जनरली कैजुअल वर्कर्स जो होते हैं ये आरपीएफ के अंदर में कंट्रीब्यूट नहीं करते, इसीलिए उसका डिडक्शन नहीं लिया जाता। वर्ड चेक कीजिए, वेयर द ग्रॉस टोटल इनकम ऑफ असेसी टू हुम 44AB अप्लाइज 100 लाख्स है, इंक्लूडिंग एनी प्रॉफिट डिराइव फ्रॉम बिजनेस देर शैल बी सब्जेक्ट टू द कंडीशन बी अलाउड डिडक्शन ऑफ एन अमाउंट इक्वल टू 30% ऑफ एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट इनकर्ड इन द कोर्स ऑफ बिजनेस फॉर 3 consecutive ईयर इंक्लूडिंग द ईयर इन विच सच एम्प्लॉयमेंट इज प्रोवाइडेड। एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट मीन्स द एमोलमेंट्स विच इज पेड इन द फर्स्ट ईयर ऑफ अ न्यू बिजनेस, एमोलमेंट पेड पेबल टू एन एम्प्लॉय ड्यूरिंग दैट ईयर शैल डीम टू हैव बीन एडिशनल वेजेस कॉस्ट। नो डिडक्शन अंडर 80C शैल बी अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ सैलरी पेड टू कैजुअल वर्कर सिंस दे डू नॉट पार्टिसिपेट इन आरपीएफ, वर्कमैन एम्प्लॉयड थ्रू कॉन्ट्रैक्टर सिंस दे डू नॉट एम्प्लॉयड इन आरपीएफ। तो इनके आपको नहीं मिलते, ये कंसेप्ट क्लैरिटी है, कंसेप्ट बिल्डिंग है, इसको हाईलाइट कीजिए। स्किल्ड लेबर एम्प्लॉयड ऑन 1/10/2020 सिंस दे एम्प्लॉयड फॉर लेस देन 240 डेज, हेंस इन दोनों का ही आपको प्रोवाइड किया गया और इसका 30% आया 3,30,000 रुपीज।
यस आ जा मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 22, ये 80 IAB के ऊपर है, नवंबर 19 न्यू सिलेबस क्वेश्चन है। एबीसी अ डेवलपर इज एंगेज इन द बिजनेस ऑफ डेवलपिंग अ स्पेशल इकोनॉमिक जोन नोटिफाइड आफ्टर 2005। इट वॉज स्टैब्लिश्ड इन द प्रीवियस ईयर 1415। 1415 इट हैज एक्सरसाइज द ऑप्शन ऑफ क्लेमिंग डिडक्शन अंडर 80 IAB। डेवलपर है भाई साहब, डेवलपर ऑफ SEZ के लिए बेनिफिट है, डेवलपर ऑफ SEZ के लिए बेनिफिट है। खैर अब इन सेक्शंस का कोई बेनिफिट नहीं होने वाला, अब ये क्वेश्चंस आपको पूछने नहीं वाले, अब ये रिलेटिवली 5 अटेम्प्ट पहले का क्वेश्चन हो गया, अब ये आने नहीं वाला आपको। स्टिल आप इसे एक बार देख लीजिएगा। इट हैज एक्सरसाइज द ऑप्शन ऑफ क्लेमिंग 80 IAB। इनकम फ्रॉम मेंटेनेंस ऑफ SEZ 50 लाख रुपीज़, इनकम फ्रॉम लीज रेंट फॉर लेटिंग आउट ऑफ बिल्डिंग इज 14 लाख 25,000 रुपीज़, इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक डिपॉजिट 9 लाख 50,000 रुपीज़, राइट। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डिडक्शन। सर अमाउंट ऑफ डिडक्शन कितना रहेगा? अगर कोई SEZ डेवलपर था तो SEZ डेवलपमेंट बिजनेस से जितना भी पैसा आता है ये पूरा का पूरा डिडक्शन बोल के मिलता है 100% तक के। कितने साल तक मिलता है? 10 ईयर्स आउट ऑफ 15 ईयर्स ये डिडक्शन अवेलेबल था, राइट। ओके सो अगर आपने 16-17 में भी बिजनेस चालू किया है तो ये आपका फोर्थ ईयर होगा। 74 लाख 15,000 आपका टोटल होने वाला है और इसका 100% डिडक्शन आपको मिल जाएगा। चेक करिए, डन सर।